दोस्तों, ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है। द काश्मीर फाइल अच्छी मूवी है बुरी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट मूवी है, ये ज़रूर बता सकता हूँ। द काश्मीर फाइल्स एक सच है जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये सच है कि हम एक कम्फर्टेबल दुनिया में रहना चाहते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने, हम इस नारे पर विश्वास रखते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि कुछ घाव वक्त के साथ नहीं भरते। द काश्मीर फाइल्स दो दिन की कहानी है। एक दिन वो जिसमें हम और आप जी रहे हैं, और एक वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें काश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं। वो दिन जिसमें उन्हें अपने ही घर से बंदूक की नोक पर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। लेट मी टेल कि ये काश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हीरो है ही नहीं, सारे के सारे विलन्स हैं। सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, बहाने मारती रही, मीडिया में विक्टिम्स को ही उनके कंडीशन के जिम्मेदार ठहराया गया, पुलिस उनकी आंखों के सामने क्राइम होता गया और वो देखते रहे, और हम 30 सालों से इस सच से मुंह फेरे रहे। आज का यूथ आपकी और मेरी तरह है, जो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो कन्फ्यूज है, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड सुनने में विश्वास रखते हैं। जिन लोगों से हमारा ओपिनियन मैच नहीं करता, हम उनको भी बोलने का मौका देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर समाज के कुछ लोग फिर हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारे ही इतिहास को भूलने पर मजबूर कर देते हैं। द काश्मीर फाइल्स एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं है। सच की तलाश हमें खुद करनी पड़ती है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ती है। इस फिल्म के कुछ इंसिडेंट इतने शॉकिंग है, इतने दर्दनाक है कि देख के लगता है कि इंसान अपने ही पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन फिल्म मेकर उसी सीन के साथ रियलिटी में क्या हुआ था विद प्रूफ आपके सामने रखता है। मुझे लगता है आर्ट का सोसाइटी में यही रोल होता है, आर्ट सच आपके सामने रखता है, भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। द काश्मीर फाइल्स को मैं एक फिल्म नहीं मानता, क्योंकि द काश्मीर फाइल वो आक्रोश है जिसे मीडिया ने 30 सालों के लिए बेड के नीचे खसका दिया था। 30 सालों के लिए इसे डाउन प्ले किया गया था, जो आज उभर कर बाहर आया है। द काश्मीर फाइल इज नॉट एन फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। द काश्मीर फाइल को जब मैं थिएटर में देखने गया, तो वहाँ पर मूवी चालू होने से राष्ट्रगान चालू होता है, भारत देश का जनगण मन। तो मैं देखा कि सब कोई खड़े नहीं हुए राष्ट्रगान के लिए, उसको गा भी रहे थे, क्योंकि उनको किसी ने 200 रुपये नहीं दिए थे उस काम के लिए। उनको बिरयानी नहीं बांटी थी, उनको पॉपकॉर्न फ्री में नहीं बांटा था, क्योंकि वो आवाज़ दिल से आ रही थी, अपने अंदर से आ रही थी। आज का सच ये है कि लोगों को अपने घर से निकल कर 500 रुपये खर्च कर सिनेमा हॉल तक ले जाने के लिए टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। टॉक शोज में जाना एक फार्मूला है, हीरो हीरोइन के बीच अफेयर का न्यूज़ फैलाना एक फार्मूला है, पैसे देकर ट्रेंड चलाना एक फार्मूला है, लेकिन बिना फेक हाइप के स्टोरी के बेस पर लोगों को सिनेमा घरों तक पहुंचाना एक अचीवमेंट है। आपका पता नहीं, बट मुझे ये लगता है कि अच्छी मूवी वही है कि जो ऑडियंस को मूव करे, और इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है। मेरा खुद से और देश से यही सवाल है कि इस फिल्म को बनने में 30 साल क्यों लगे। काश्मीरी पंडितों की कहानी हम तक पहुँचाने की गट्स आज तक किसी भी स्टार ने क्यों नहीं की? क्या वो कहानी सच नहीं थी? क्या वो लोग उनके अपने नहीं थे? किस बात का डर था? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्म्स हमारे भारत देश में बनती हैं, वही बार बार वही कहानी, वही रिसाइकल होके घिसी पिटी कहानियों को दिखाते हैं, बार बार उसी कहानी को। ये कहानी हमसे छुपाई क्यों गई? क्या इस पर रिसर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा? जब भी आप ये मूवी देखना, तब आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखना, उन काश्मीरी पंडितों की जगह में रख के देखना। अगर आपके साथ, आप जिस घर में आप रहे हो, अगर आपके साथ आपके घर से आपको कोई बाहर निकालने की कोशिश, तो आपको कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा? लगेगा ना कि उसका मुंह तोड़ दूंगा। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को काश्मीरी जेनोसाइड्स के बारे में पता है, उनको तो ये मूवी देखनी चाहिए, बट जिन लोगों के लिए काश्मीरी जेनोसाइड्स के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को ये मूवी ज़रूर 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 देखनी चाहिए। और मैंने ये मूवी देख ली है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी लगी अपने लाइफ में, अभी तक की मैं ये शायद एक बेस्ट मूवी देखा हूँगा, वो भी रियल स्टोरी पे बेस्ड। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं जाते जाते, कि इस फिल्म ने जो अभिनय, जो एक्टिंग किया है ना इन्होंने, जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी एक्टर्स थे, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग किया इन्होंने। मिथुन चक्रवर्ती हो गया, या फिर अनुपम खेर जी ने तो माइंड ब्लोइंग कस, क्या एक्टिंग किया, क्या अभिनय किया है, वो मतलब जी रहे हैं उस कैरेक्टर को उसमें जी रहे हैं। रियली देख के बहुत इंस्पायर हुआ मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम सबकी देवी सरस्वती, सरस्वती माँ का नाम भी शारदा है।
बस उसी की उपासना करो। जब कोई नहीं होगा, हाँ बेटा, जब कोई नहीं होगा, जब सब तरफ अंधेरा होगा, तब वही तुम्हें राह दिखाएगी। ठीक है, बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने देशवासियों के साथ प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, सबके साथ हंसी खुशी रहें। नफरत और लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं। अभी के वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा आपको, मूवी देख के आ रहे हैं, मूवी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को अभी अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार।